सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत। नैब तरमीम इतना ही बड़ा मसला होता तो कोई शहरी इन्हें चैलेंज करता। किसी मालियाती इदारे ने तरमीम चैलेंज की, ना ही किसी सियासी जमात ने। एक पार्लियामान के भगोड़े सियासतदान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। नैब तरमीम किन बुनियादी हकूक से मुतसातम है आज तक सामने नहीं आ सका। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन ही क्यों रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जाता रहा है, इस चीज़ को रोकना चाहिए कि कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। हमने देखना है कि नए नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया। समाअत कल तक मुलतवी। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात सुल्कुरनैन ने समाअत की। जराए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई ने जेल में समाअत का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में खसूसी अदालत के जज के इख्तियार समाअत को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत 1 के जज इस मामले में मतलूबा अहलियत की बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरते। पीटीआई चेयरमैन के वकला का साइफर केस में आज ही दरख्वास्त जमानत दायर करने का फैसला। आम इंतखाबात पर मुशावरत। अवामी नेशनल पार्टी के वफद की इलेक्शन कमीशन आमद। आम इंतखाबात से मुतालिक एएनपी ने तजावीज दी। मीडिया से बात करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौकिफ रखा, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी हो आइन के दायरे में हो। इलेक्शन कमीशन ने कल तहरीक लबैक के वफद को मुशावरत के लिए बुला लिया। महंगाई की सताई आवाम के लिए एक के बाद एक बुरी खबर। हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। यकम सितंबर से पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा होने का इम्कान है। एहतजाज काम आया, ना ही शटर डाउन की धमकियां। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारियां। बिजली मजीद 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPCA के मुताबिक समाअत फैसला महफूज। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया जाएगा। इजाफे की सूरत में मजीद 35 अरब रुपये का इजाफी बोझ अवाम पर पड़ेगा। डॉक्टर्स का काम नारेबाजी करना या धरने देना नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब्बासी शहीद अस्पताल में गायन वार्ड की तस्वीर और आरइश के काम का संगे बुनियाद रख दिया। 31 दिसंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा।